जय श्री राम, मैं अतुल वर्मा अयोध्या से। सो दोस्तों, आपने नई अयोध्या को तो देखा होगा किस प्रकार से है, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं अयोध्या की पुरानी से पुरानी गलियां और अयोध्या में जो पुराने से पुराने समय के बने हुए जो महल हैं वो अब किस अवस्था में है और किस कंडीशन में है, क्यों नहीं उस पर मरम्मत किया जा रहा है, क्यों अभी उसको वैसे ही कंडीशन में छोड़ा गया है। तो ऐसे विचित्र और ऐसे अद्भुत और विशाल महल आपको दिखाने वाले हैं जो कि आपके लिए अकल्पनीय है, तो वो हम दिखाते हैं आपको। चलते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, इस साइड देखिए, ये जो महल आप देख रहे हैं भाई साहब, कितना विशाल और कितना बड़ा महल है, और ये अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ही दयनीय स्थिति में है। आप इधर पूरा चेक कर सकते हैं कि कितना विशाल बना हुआ है, और इसके अब इस महल में, इस कंडीशन में, ये इस अवस्था में है कि ये दोबारा रिपेयर होने के कंडीशन में हमें तो नहीं दिख रहा है। और ये पूरा आप देख सकते हैं कितना विशाल रूपी ये बना हुआ है। जैसे अब के समय में कई फ्लोर मकान में बनाए जाते थे, ऐसे ही इस महल को भी बनाया गया था कई फ्लोर में। आप देख सकते हैं ये 1, 2, 3, 4 ऊपर 4 फ्लोर में बना हुआ है, और ये बहुत पुराना है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ही, ये देखिए मंदिर भी दिख रही है, और ये शिवलिंग भगवान भोले शंकर की यहाँ पे स्थापित की गई है। तो आप इधर पूरा देख सकते हैं कितना अच्छा, और ये उस समय के आकृतियों से बना हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, और इस साइड आप पूरा देख सकते हैं, ये एंट्री गेट है महल का, और देख सकते हैं कितना विशाल रूप से बनाया गया था इसको। और आगे देखिए एकदम ऊपर से ऊपर किस प्रकार से, और आपको थोड़ा सा हम दिखाना चाहते हैं उस साइड। ऊपर आप देखिए दो सिंह बने हुए, दो शेर बने हुए ऊपर, और उसके इस साइड से आप देख सकते हैं पूरा यहाँ तक इसकी स्थापना की गई थी। और ऊपर देखिए खिड़कियाँ वगैरह भाई साहब कितनी प्यारी बनी थी, और कलर और पेंटिंग भी बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया था। तो कुछ इस प्रकार से इस महल का निर्माण था। और थोड़ा सा अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो इस साइड आपके ये महल का गेट है, महल के गेट के बाद आपको साइड दिख जाएगा किस कंडीशन में है ये महल। आप देख सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से ऐसी अवस्था में आपको दिख रहा है। तो ये मानो किसी राजा या महाराजा का महल है। तो कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोकल लोगों से कि ये महल पहले के समय त्रेता युग के अयोध्या में किसका है, और प्रेजेंट टाइम में, और ये किस चीज़ की मंदिर यहाँ पर है। और इस साइड देखिए भाई साहब, ऊपर कितने अच्छे तरीके से इसकी नक्काशी और डिज़ाइनिंग की गई थी। तो अभी भी कुछ अवशेष इसके जीवित हैं जो आपके यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और इस साइड पर आप देख सकते हैं ये किस कंडीशन में अभी बचा हुआ है, और इस पर कुछ अवशेष भी उसके अभी जीवित हैं। और आपको इस साइड जो कि मंदिर दिख जाएगी, ये बहुत प्यारी, बहुत पवित्र मंदिर इसके अंदर भी है। तो आप ये पूरा चेक करिए, ये देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने सबसे पहले एक महल को, आपको एक मंदिर को दिखाया। तो चलते हैं और भी आगे, जो इस अवस्था में, इस अवशेष से जो अयोध्या में और भी मंदिरें और भी महल हैं, तो वो दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं एक ऐसे विशाल मंदिर के पास जो कि आप इस अवस्था में देख सकते हैं कि किस कंडीशन में अभी भी ये यहाँ पर जीवित अवस्था में बची हुई है। उसके बारे में थोड़ा सा दिखाएँगे और बताने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, ये महल देखिए, महल ये इतनी आकृतियों से बनाया गया था जो कि उस समय में भाई साहब किस प्रकार के आर्किटेक्ट्स थे, किस प्रकार के जो डिज़ाइन करते थे, ये देखिए कैसे कैसे अवशेष उसमें दिख रहे हैं आपको। तो ये भी बहुत विशाल महल है और बहुत ही प्राचीन, जो कि आप देख सकते हैं कितने दयनीय और कितने इसकी जो कि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सब जो ईंट वगैरह इसमें लगे थे, आप देख सकते हैं कैसे इसमें ये ख़राब होते चले जा रहे हैं। और ऐसे ही कुछ अवशेष थे जो आपको इस साइड से दिखाते हैं, ये देखिए पूरे ये सब नष्ट हो रहे धीरे धीरे, क्योंकि अब इसमें रिनोवेशन का काम नहीं किया जा रहा है। तो आपको कुछ इस प्रकार से ये दिख जाएंगे। और उस समय के जो कि भाई छत थे वो लकड़ियों से ही बनते थे। तो आप ये पूरा देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से लकड़ियों से बनाया जाता था। तो ये आप पूरा देख सकते हैं भाई साहब, मानो उस समय की लकड़ियाँ कितनी मज़बूत हुआ करती थी। तो आपको ये दिख जाएगा पूरा, कितना प्यारा सा, अच्छा सा ये महल बना हुआ था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जो ये इसकी जो कंडीशन है बहुत ख़राब होती जा रही है, क्योंकि इसका रिनोवेशन नहीं हो रहा है। तो आप ये पूरा देख सकते हैं कितनी प्यारे तरीके से ये बनाया था, और इसमें भी कई फ्लोरिंग था, जैसे 1, 2, 3 देख सकते हैं ऊपर से कि 3 फ्लोर में इसको बना भी था। तो आप ये पूरा चेक करिए। तो चलते हैं और भी ऐसे ही अयोध्या में ढेर सारे महल, ढेर सारे हैं जो कि आपको दिखाने की कोशिश करते हैं अपने वीडियो के द्वारा। और दोस्तों, ये मंदिर देखिए,
इसको बहुत प्राचीन नहीं कहा जाएगा ये, क्योंकि इसकी रिनोवेशन होने के साथ साथ कुछ आगे का भाग फिर से बनाया गया है, जो कि श्री हनुमत कथा मंडप इसका नाम दिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से इसकी भी डिज़ाइनिंग और अच्छे से अच्छे तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। तो आपको थोड़ा सा पास से चल के दिखाते हैं। फ़िलहाल मंदिर अभी बंद है तो अंदर नहीं जा सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर ताला लगा हुआ है और ये इसके अंदर जो मंदिर का निर्माण है। और यहाँ पे मंदिर के साथ साथ आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी प्यारी आकृतियों के साथ यहाँ पे डिज़ाइनिंग वगैरह की गई है। ये आप पूरा चेक करिए, कितना प्यारा कितना मनमोहक दृश्य ये कायम करता है। और ये भी मंदिर इस साइड से भी बहुत ही प्यारी है, तो आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाएगी। भाई साहब इस साइड साइड में डिज़ाइनिंग चेक करिए, ये कितना प्यारा ये डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर इस मंदिर के अंदर आपको जो कि रामायण काल की जितनी भी तस्वीर जितनी भी मूर्तियाँ एक प्रकार से कहा जाए जितने भी ये उसमें लोग थे उनकी सारी घटित घटनाएं को दर्शाया गया है। तो ये बहुत प्यारा है, बहुत पवित्र ये मंदिर माना जाता है। तो चलते हैं और भी आगे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये मंदिर देखिए कितना प्यारा मंदिर ये बना हुआ है, जो कि मंदिर श्री हनुमत भवन के नाम से जाना जाता है। और आपको यहाँ पर हमेशा ऐसे ही भजन संध्या होते हुए दिख जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से इसको बनाया गया है, इसका दोबारा रिनोवेशन किया गया है, जो कि अब एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही अद्भुत दृश्य ये कायम कर रहा है और अपनी पहचान बता रहा है कि पुराने समय में ये कैसे था, अब इस समय में किस प्रकार से जीवित है। तो आप ये पूरा चेक कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं, हमारे अयोध्या में ऐसे हज़ारों मंदिर हैं जो कि इसका रिनोवेशन बहुत तेज़ी से किया जा रहा है और इसके अवशेष को बचाया जा रहा है, क्योंकि इसी से पहचान होती है हमारे त्रेता युग की अयोध्या की। तो आप ये कुछ देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे, कुछ मंदिरों को और दिखाते हैं आप। दोस्तों इस साइड देखिए, अयोध्या में ये पुराना महल ने एक प्रकार से किया जाए मकान, जो कि भाई साहब सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर उस समय पे बनाया गया था, जो आज हम लोग देख रहे हैं तो उस समय में था। तो आप देखिए ऊपर से कितने पुराने कितने दयनीय कंडीशन में ये दिख जाएगा। अभी भी इसके अवशेष अभी भी इसके छत टिके हुए हैं, जो कि ये तीन फ्लोर में ये मकान बना हुआ था। तो आपको कुछ इस प्रकार दिख जाएगा, लेकिन कंडीशन तो बहुत दयनीय है। तो आप यहाँ से पूरा चेक करिए ऐसे ही, और सामने भी ढेर सारे ऐसे ही मकान और महल बने हुए हैं। ये अयोध्या की पूरी गलियां हैं, तो कुछ आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। सो दोस्तों ये देखिए कितना प्यारा कितना पवित्र मंदिर, जो कि श्री हनुमत कुंज के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत विशाल बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे जो कि ये भगवान ये जो हैं ये जो अब ये देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे ये हनुमान जी इनके जो पोशाक है जो इनका चोला है यहाँ पे लोगों द्वारा पहन के का जो कि उनके नृत्य और कार्यक्रम किया जाता है। तो आपको ये मंदिर दिख जाएगा कितना प्यारा और कितना पवित्र, इसको भी बनाया गया था। इससे पहले ये बहुत ही दयनीय बहुत ही ख़राब स्थिति में था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छा इसको बना दिया गया, इसकी रिनोवेशन कर दिया गया है। तो आप ये देखिए पूरा